अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो एक बार फिर मैं मोहम्मद सलीम कैमरा लाइन में जुड़े हैं हमारे साथ बहुद्दीन। तो जिस तरह लगातार हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जो भी हम वीडियो बनाते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि खासकर लद्दाख द्रास के अंदर जो है टूरिज्म का जो पोटेंशियल है, ताकि लोगों तक पहुँचाए। तो साथ एक साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं द्रास, द वर्ल्ड सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस एंड वीडियो ऑफ लद्दाख। सर, आप दिल्ली से हैं और काफ़ी टाइम से आप द्रास में हैं, तो कैसा लगा आपको द्रास सर, और खासकर द्रास की क्या खूबसूरती है, और ख़ासकर आज आपने तो एक बहुत अच्छा एक मैच भी आपने अपने आंखों से देखा, तो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों क्या एक एक्सपीरियंस रहा खासकर द्रास को। देखो, सबसे पहली चीज़ तो द्रास अपने आप में एक यूनिक लैंडस्केप रखता है। तो यहाँ का लैंडस्केप इस तरीके का है कि कुछ जो है रॉकी माउंटेंस हैं, और विंटर्स में यहाँ पे पाकिस्तान साइड जो है, जो कि राइट साइड है, वहाँ पे आप देखेंगे कि धूप जो है ज़्यादा पड़ती है, तो वो रॉकी। ऑन द लेफ्ट साइड विच इज़ इंडिया साइड, वहाँ पे सारी जो है स्नो ही स्नो है, तो लैंडस्केप का काफ़ी फर्क है। दूसरा, ये डेजर्ट नहीं है लेक, तो इसलिए इंटरेस्टिंग टोपोग्राफी है यहाँ पर। और आई थिंक ये पर्सनली मेरे लिए, मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी, क्योंकि समर्स के अंदर यहाँ पे जितनी ग्रीनरी है उतनी शायद किसी नीचे ट्रॉपिकल एरिया में होगी, और विंटर्स में जितनी बर्फ़ है उतनी शायद मनाली या फिर आर्टिक्स में होगी, क्योंकि वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट स्पॉट इसे कहा जाता है, क्योंकि एक बार -60 यहाँ पे टेम्परेचर चला गया था, उस टाइम वो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद से -30 और -40 के बीच में रहता है, बट वो ऐसा नहीं है कि अनलिवेबल जगह नहीं है, सब जो है यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट आएगा तो वो ठंड से फ्रीज हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है लैंडस्केप है, इसलिए मैं पर्सनली खुद भी दिल्ली से यहाँ आया। हाँ, काफ़ी। तो यहाँ का कल्चर कैसा लगा सर आपको, क्योंकि यहाँ जो है डाइवर्स बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, आपने देखा होगा कल्चर, तो कल्चर कैसा लगा खासकर? मेरे लिए तो कल्चर शॉक था, क्योंकि दिल्ली में जब आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठते हो तो आपसे कोई हाय हेलो करने नहीं आता, वैसे कहीं बाहर जा रहे हो आपसे कोई बात नहीं करेगा, सब अपने अपने में रहते हैं, आप फोन में रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट किसी गांव में पैदल निकल जाए तो लोग उसको आके पूछते हैं कि आओ मेरे घर पे चाय पीने आओ, आओ चाय पीने आओ, उससे कई लोग कहते हैं कि चाय पीने आ जाओ, मैं चाय पीता नहीं तो मुझे मना करना पड़ता है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि छोटा सा शहर है, बट फिर भी लोग इतने कल्चरली मिले हुए हैं कि आपको इन्वाइट करते हैं चाय पीने के लिए, बातचीत करते हैं, तो अच्छा लगता है बड़ा। तो डिफरेंस फील होता है कि कहाँ हम सिटी में रह रहे हैं और वहाँ पे कोई बात करने को नहीं है, और यहाँ पे आओ तो लोग इनवाइट कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, जो लोग लद्दाख आना चाहते हैं, जो द्रास में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? देखो, पहला मैसेज तो ये है कि फैसिलिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन नहीं चलेंगे, हर जगह 4G के टावर्स लगे हुए हैं, तो आपको 24 घंटे LTE नेटवर्क आएगा, तो आप इंटरनेट से कभी दूर नहीं हो सकते, आप सारी सोशल मीडिया अपना कंटिन्यू रख सकते हो यहाँ पर। दूसरा, आइसोलेटेड है पर ऐसा नहीं है कि अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं। तीसरा, सेफ्टी बहुत अच्छी है, हर जगह इंडियन आर्मी है, और क्या नाम है, जहाँ आर्मी है वहाँ पे आप कहीं भी रात को भी बाहर निकलो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी क्या नाम है मददगार साबित होते हैं फॉर टूरिज़म। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक गोल्ड माइन की तरह काम करता है, अगर आप किसी ऐसी जगह से आ रहे हो जो कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जैसे दिल्ली बॉम्बे, जहाँ पे शहर का ट्रैफिक पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करना एक ब्रेक की तरह काम करता है, अगर आप रहना चाहते हो तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये थे नाज़रीन एक मैसेज आप लोगों के, कहा कि जिस तरह जो लोग लैंडस्केप को पसंद करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा क्राउड से, थोड़ा जो है कल्चर को जब लोगों को जानेंगे, तो उम्मीद है आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, लद्दाख विज़िट कीजिए, द्रास विज़िट कीजिए। तो बने रहे हमारे साथ इन्हीं अपडेट के, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।